बांदा में अपराध को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस हर सड़क के तिराहों पर निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान बमेरू कोतवाली पुलिस को एक और सफलता हासिल हुई है, जिसमें एक अभियुक्त को देसी बंदूक, तमंचा व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका मुकदमा लिखकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के ग्राम महिला का है, जहां पर बबेरू कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में गश्त के लिए भेजा गया था। ग्राम मझिला के पास अभियुक्त शिव मंगल साहू पुत्र ब्रह्मा साहू निवासी ग्राम बुधौली थाना क्षेत्र बबेरू को एक देसी बंदूक, तमंचा 12 बोर व 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ग्राम माझिला तिराहे के परास गांव की सड़क पर खड़ा था। पुलिस को देखकर वह इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस को शक हुआ और दौड़कर उसको पकड़ लिया गया, जिसका मुकदमा लिखकर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पुलिस क्षेत्र अधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि ये मामला शिवमंगल साहू का है। इनके कब्जे में कल से ग्राम माझिला तिराहे के पास से 3 कारतूस सहित एक देसी बंदूक और तमंचा बरामद हुआ है। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक मामला आया था शिवमंगल साहू, ये निवासी ग्राम बुढ़ौली थाना बबेरू के निवासी हैं। इनके कब्जे से कल मझिला तिराहे के पास इनके कब्जे से एक कारतूस, 3 कारतूस और एक देसी अदद एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। बांदा से सैयद साजिद अली की रिपोर्ट, नव प्रवाह लाइव।